वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का बड़ा बयान सामने आया। 6 विधायकों की सदस्यता रद्द होने पर राजीव बिंदल ने कहा, स्पीकर का आदेश पढ़ा जाएगा, आदेश पढ़ने के बाद अगली रणनीति बनाई जाएगी। राज्यसभा चुनाव से स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस विश्वास खो चुकी है, बीजेपी अपने काम में जुटी हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल इस वक्त खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं। बिंदल जी, आज जो कांग्रेस के बागी 6 विधायक थे उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, डिस्क्वालीफाई उनको कर दिया गया है। बीजेपी के खेमे में हैं वो, इस वक्त बीजेपी के साथ चल रहे हैं। इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? पहली बात तो ये कि बीजेपी के खेमे में है, ये आपने कहां से देखा, पहली बात ये। दूसरा, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उसको कानूनी तौर के ऊपर पढ़ने और देखने की आवश्यकता है, विशेषज्ञ लोग उसको देखेंगे, तदनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। क्या इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, जिस तरह का फैसला कि इसको विशेषज्ञ लोग देखेंगे और उसके अनुसार आगामी कार्रवाई की जाएगी। पर मुख्य बात है, राज्यसभा का जो चुनाव है वो आई ओपनर है, प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा फतवा है जिसके अंदर, और पूर्ण मेजॉरिटी वाली सरकार राज्यसभा की सीट को हारती है, वो इनकी कार्यशैली का रिफ्लेक्शन है। कांग्रेस के अंदर और जनता के अंदर कितना विरोध है सरकार का, वो स्पष्ट दिखाई। जो ताजा सियासी घटनाक्रम हुआ है, नाराजगी भी आई सामने, विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर ली, विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया, आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी के लिए 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें इन चीजों का फायदा मिलने वाला है? 2024 का चुनाव हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की कार्यशैली के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। वो गरीब कल्याण, महिला कल्याण, किसान कल्याण और राष्ट्र कल्याण की दिशा के अंदर काम करने वाले महान व्यक्ति हैं, और उनके द्वारा किए गए कार्यों, उस दिशा में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। संगठन और मोदी जी की उपलब्धियां और प्रदेश की सरकार की नाकामयाबियां अलबत्ता इसके अंदर एक बड़ा विषय रहने वाला है। आपको लगता है कि ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी? मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि हम पूरे 5 साल चलेंगे, 34 विधायकों के दम पर भी हम सरकार चला देंगे। हमने तो ये उनको कभी चुनौती दी नहीं कि आप 5 साल नहीं चलेंगे, वो तो अपने अंदर के भय से बोल रहे होंगे कि हम 5 साल चलेंगे। तो बीजेपी क्या और भी जो उनके विधायक हैं उनके संपर्क में है, उनको अपने जनता पार्टी और अपने काम पर जुटी हुई है। आप इस कार्यालय में देख रहे हैं कितनी तैयारियां चुनाव की दृष्टि से चल रहे हैं, और जो राजनीतिक घटनाक्रम है वो आप सब लोगों ने और राज्यसभा के चुनाव में देखा है। बिल्कुल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल थे और इन्होंने कहा कि जो फैसला आया है उसको विशेषज्ञ इसको स्टडी कर रहे हैं कि उसमें आगे क्या करना है, उसके आधार पर बाकी जो ये विधायक भी हैं जिनकी सदस्यता गई है वो भी अपने स्तर पर देखेंगे कि इस फैसले को कहां चुनौती देनी है। बिडिजन शंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।